इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल चोट के कारण दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए थे, लेकिन अब खबर आई है कि राजकोट में होने वाले तीसरे टेस्ट से भी केएल राहुल बाहर रहेंगे। केएल राहुल की गैर मौजूदगी में देवदत्त पड्डीकल को उनका रिप्लेसमेंट बनाया गया है। सोशल मीडिया पर फैंस सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पड्डीकल केएल राहुल के बेस्ट रिप्लेसमेंट हैं? क्या चेतेश्वर पुजारा को मौका देना ज्यादा उचित था? पुजारा भी मौजूदा रणजी सीजन में शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्होंने एक दोहरा शतक भी वर्तमान सीजन में ठोका है, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करके युवा देवदत्त पड्डीकल को टीम इंडिया से जोड़ा गया है। आपको बता दें कि देवदत्त पड्डीकल को उनके हालिया प्रदर्शन का इनाम मिला है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में अच्छी पारियां खेली हैं। उनका हालिया फॉर्म कमाल का है। घरेलू क्रिकेट में खेली गई पिछली 10 पारियों में देवदत्त पड्डीकल का बल्ला खूब गर्जा है। पड्डीकल का पिछली 10 पारियों में प्रदर्शन। देवदत्त पड्डीकल ने हाल ही में कर्नाटक और तमिलनाडु के खिलाफ मुकाबले में 151 और 36 रनों की पारी खेली थी। इससे पहले 1 फरवरी 2024 को ही इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच जो मुकाबला हुआ था, उसमें भी उन्होंने 65 और 21 रनों की पारी खेली थी। इसके अलावा 24 जनवरी 2024 को इंडिया ए बनाम इंग्लैंड लायंस के प्रैक्टिस मैच में भी उन्होंने शतक जड़ा था और 105 रनों की पारी खेली थी। इसके अलावा पड्डीकल ने पिछले महीने 19 जनवरी 2024 को कर्नाटक बनाम गोवा के एक मुकाबले में 103 रन ठोके थे और फिर कर्नाटक बनाम गुजरात के मुकाबले में 42 और 31 रनों की पारियां खेली थी। इसके अलावा देवदत्त पड्डीकल ने 5 जनवरी 2024 को कर्नाटक बनाम पंजाब के मुकाबले में 193 रनों की नायाब पारी खेली थी। इसके अलावा पिछले साल 11 दिसंबर 2023 को देवदत्त पड्डीकल ने इंडिया ए बनाम साउथ अफ्रीका ए के बीच खेले गए मुकाबले में 30 रनों की पारी खेली थी। ये पारियां दर्शाती हैं कि देवदत्त पड्डीकल गजब की फॉर्म में है। सबसे अहम बात यह है कि टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर रणजी ट्रॉफी में कर्नाटक बनाम तमिलनाडु का मैच देखने पहुंचे थे, जहां देवदत्त पड्डीकल ने 151 रनों की शानदार पारी खेली थी। उन्होंने इस सीजन के पहले ही मुकाबले में पंजाब के खिलाफ 193 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। फिर गोवा के खिलाफ उन्होंने 103 रनों की एक और शतकीय पारी जमा डाली। इन्हीं दमदार पारियों का इनाम देवदत्त पड्डीकल को अब मिला है और उन्हें पहली बार टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका भी मिला है। हो सकता है देवदत्त पड्डीकल की किस्मत चमक जाए और उन्हें डेब्यू का भी मौका मिल जाए।